ओके, स्टार्ट करते हैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के कुछ बेसिक फंडामेंटल, ठीक है, कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफ्यूज क्या होता है। रिफ्यूज, ऑल द मटेरियल दैट इज वेस्टेड, सोइल, लिक्विड, सेमी सॉलिड, इज कॉल्ड रिफ्यूज, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिफ्यूज, ठीक है। गार्बेज क्या होता है? ड्राई रिफ्यूज, ऑर्गेनिक इन नेचर, एग्जाम्पल वेजिटेबल्स, ग्रास, स्वीपिंग, इटीसी, ये सब क्या है? गार्बेज, ठीक है। ड्राई रिफ्यूज ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल, साग सब्जियां, ये जो भी है वो गार्बेज है, ठीक है। मतलब कि वो गार्बेज नहीं है, जो वेस्टेज है ना उनका, वो गार्बेज है, ठीक है। अब रविश देख लेते हैं। ड्राई वेस्ट फ्रॉम ऑफिसेज, रेसिडेंसेज एंड इनऑर्गेनिक इन नेचर, ठीक है। तो ड्राई ऑफिस से और घर से जो इनऑर्गेनिक कचरा होता है उसी को हम बोलते हैं रविश, ठीक है। इट इज ए कम्बुस्टिबल, यानी ये दहनशील होता है, यानी हम इनको जला सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि पेपर, रैग्स, इटीसी, ठीक है ना। सीवेज की बात करते हैं। सीवेज क्या होता है? ए लिक्विड वेस्ट ऑफ डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल ओरिजिन, ठीक है। ये सीवेज का मतलब होता है लिक्विड वेस्ट, ठीक है। वेस्ट की, या तो लिक्विड होगा या सॉलिड होगा या सेमी सॉलिड होगा, लेकिन सीवेज किसको बोलते हैं? जो लिक्विड वेस्ट होता है ना उसको हम सीवेज बोलते हैं, ठीक है। मतलब उसमें 99% तो वाटर होता है और दूसरे जो दूसरे बाकी दूसरे मटेरियल होते हैं, ठीक है ना। तो ए लिक्विड वेस्ट ऑफ डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल ओरिजिन, फॉल इन नेचर, फॉल इन नेचर में तो गंदे होते हैं नेचर में, और कंसिस्ट 99.9% वाटर, और उनमें 99% वाटर होता है, ठीक है। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज आर कलेक्टिवली कॉल्ड सैनिटरी सीवेज, ठीक है। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सीवेज दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? सैनिटरी सीवेज बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं स्लेज की। स्लेज क्या होता है? वेस्ट वाटर फ्रॉम बाथरूम्स, वॉशरूम्स, किचन, ठीक है। बाथरूम, वॉशरूम या किचन से जो वेस्ट वेस्ट वाटर होता है उसको बोलते हैं स्लेज, ठीक है। लेस फॉल इन नेचर, और ये नेचर में कम गंदा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टॉर्म वाटर की। स्टॉर्म वाटर क्या होता है? द रन ऑफ फ्रॉम रोड्स, बिल्डिंग्स एंड अदर कैचमेंट एरियाज आर जनरली कॉल्ड स्टॉर्म ड्रेनेज और हॉट ड्रेनेज, ठीक है। मतलब कि जो नालियों का पानी होता है उसको हम स्टॉर्म वाटर बोलते हैं, ठीक है। द रन ऑफ फ्रॉम रोड्स, बिल्डिंग्स एंड अदर कैचमेंट एरियाज जनरली कॉल्ड स्टॉर्म ड्रेनेज और ड्रेनेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीवर क्या होता है, ठीक है। देखो, एक होता है सीवेज, एक होता है सीवर, और एक होता है सीवरेज। सीवर क्या होता है? ए पाइप कैरिंग सीवेज, जिस पाइप में सीवेज जाता है उसको बोलते हैं सीवर, ठीक है। एक तरफ से हम नाला बोल सकते हैं। सीवरेज क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड कन्वेयंस ऑफ सीवेज इज कॉल्ड सीवरेज, ठीक है। सीवर को इकट्ठा करके उसको निकालना बाहर, इसको बोलते हैं सीवरेज, ठीक है। अब डीडब्ल्यूएफ क्या होता है? डीडब्ल्यूएफ मतलब होता है ड्राई वेदर फ्लो। ड्राई वेदर फ्लो, नॉर्मल फ्लो अवेलेबल इन एनी सीजन, इट इज ड्यू टू सैनिटरी सीवेज, ठीक है। नॉर्मल फ्लो अवेलेबल इन एनी सीजन इज कॉल्ड ड्राई वेदर फ्लो, इट इज ड्यू टू सैनिटरी सीवेज, ये सैनिटरी सीवेज की वजह से होता है। DWF is generally 1/20 to 1/25 of maximum flow of during monsoon. मानसून के समय पे DWF की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/20 से लेकर 1/25 तक मैक्सिमम फ्लो, और ड्यूरिंग मानसून मैक्सिमम फ्लो का 1/20 से 1/25 तक की वैल्यू होती है DWF की, ठीक है। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ सीवेज की। जो सिस्टम ऑफ सीवेज होता है इसको तीन टाइप से क्लासिफाइड किया है, सेपरेटेड सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम और पार्शियली सेपरेटेड सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेपरेटेड सिस्टम क्या होता है। सैनिटरी सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर आर कलेक्टेड, कन्वेड एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। इस सेपरेट सिस्टम में क्या होता है कि जो सीवेज होता है और जो जो स्टॉर्म वाटर होता है आर कलेक्टेड एंड कन्वेड एंड डिस्पोज सेपरेटली, उनको हम सेपरेटली डिस्पोज करते हैं, कि मतलब इसका ये सैनिटरी सीवेज अलग जाएगा, स्टॉर्म वाटर अलग जाएगा, मतलब अलग अलग सेपरेट इसको हम डिस्पोज करते हैं, ठीक है। सुटेबल कहाँ पे? ये सुटेबल है इन एरियाज ऑफ अनइवन रेनफॉल इन एयर, उस एरिया में सुटेबल है जहाँ पे रेनफॉल यानी कि वर्षा एक समान नहीं होती पूरे साल में, ठीक है। कभी कभी कहीं भी जून के महीने में होगी, कभी कैसे होगी, मतलब कि एक समान नहीं होती उनमें, ठीक है। मतलब कि उस एरिया में एक समान वर्षा नहीं होती बस, ठीक है। इन हिली एरियाज विद स्टीप स्लोप्स, और कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं सेपरेट वाला सिस्टम? इन हिली हिली एरिया में विद स्टीप स्लोप, जहाँ पे सकड़े स्लोप्स हो, ठीक है। वेयर डीप एक्सकेवेशन कैन नॉट बी डन, और जहां पर हम गहरी खुदाई नहीं कर सकते ना, उस इलाके में हम प्रोवाइड करते हैं ये सेपरेट सेपरेट सिस्टम, ठीक है। सीवेज का सेपरेट सीवेज का सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं कंबाइंड सिस्टम की। बोथ सैनिटरी सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज आर कलेक्टेड इनटू द सेम कंटेनर। इसमें क्या होता है कि एक ही नाले से सैनिटरी सीवेज भी जा रहा है और स्टॉर्म वाटर भी जा रहा है, ठीक है। स्टॉर्म यहाँ पे स्टॉर्म नहीं है, STORM है, ठीक है, स्टॉर्म, ठीक है। एक ही नाले से सैनिटरी सीवेज भी जा रहा है और स्टॉर्म वाटर भी जा रहा है, इसको बोलते हैं कंबाइंड सिस्टम। और ये कहाँ पे सुटेबिलिटी देख लेते हैं इसकी। वेयर रेनफॉल इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, उसमें क्या होता है, जहां पर रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। इन प्लेन एरियाज वेयर एक्सकेवेशन इज इजी एंड लेस कॉस्टली, और प्लेन एरिया में जहाँ पे एक्सकेवेशन इजी हो जाता है और कम कॉस्ट में हो जाता है। व्हेन एरिया इज
कंजेस्टेड और फॉर नैरो स्ट्रीट, और जहां पे जो एरिया हो वो घना हो, ठीक है, सघन हो और नैरो स्ट्रीट, और वहां पे पतली पतली गलियां हो, वहां पे ये सूटेबल है, ठीक है। अब थर्ड है पार्शियली सेपरेट सिस्टम, क्या होता है, डिजाइंड फॉर केयरिंग सीवेज डिस्चार्ज प्लस पार्ट ऑफ स्टॉर्म ड्रेनेज फ्रॉम दी रूफ्स एंड दी कॉर्टयार्ड्स। ये क्या होता है, डिजाइन फॉर केयरिंग सीवेज डिस्चार्ज, एक तो ये डिजाइन होता है सीवेज डिस्चार्ज को केयर करने के लिए प्लस पार्ट ऑफ स्टॉर्म ड्रेनेज, और जो कुछ स्टॉर्म ड्रेनेज का कुछ पार्ट होता है जैसे कि रूफ से छतों से जो पानी बह के आता है, हमारे चौक से आंगन से जो पानी जाता है उसके लिए ये डिजाइन होता है, ठीक है ना। और गंदी सड़कों वड़कों से बह के आ रहा है उसके लिए नहीं, पार्ट मतलब कि ये है ना पार्शियली सेपरेटेड सिस्टम है। तो देखो इसमें सीवेज डिस्चार्ज तो पूरा आ रहा है लेकिन जो स्टॉर्म वाटर है उसका थोड़ा सा पार्ट आ रहा है, क्योंकि हमारी छतों से जो पानी आ रहा है ना वो स्टॉर्म वाटर का पार्ट है, इसमें सड़कों से बहने वाला पानी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सीवर्स देख लेते हैं। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ चार टाइप्स के सीवर्स होते हैं, हाउस सीवर्स होते हैं, लेटरल सीवर्स होते हैं, ट्रंक और मेन सीवर्स होते हैं, आउटफॉल सीवर्स, ठीक है। ये चार टाइप्स के सीवर्स हैं, हाउस सीवर्स, लेटरल सीवर्स, ट्रंक और मेन सीवर्स और आउटफॉल सीवर्स, ठीक है। हाउस सीवर्स क्या होता है, सीवर्स पाइप्स कैरिंग सीवेज फ्रॉम ए बिल्डिंग टू द पॉइंट ऑफ इट्स इमीडिएट डिस्पोजल। हाउस सीवर्स क्या होता है, जिसमें एक सीवेज पाइप जो होता है एक तो कनेक्टेड होता है घर से बिल्डिंग से और एक कनेक्टेड होता है जहाँ पे डिस्पोज करना होता है, ठीक है, वहां से, उसको बोलते हैं हाउस सीवर्स। लेटरल सीवर्स क्या होता है, ए सीवर विच रिसीव्स द डिस्चार्ज फ्रॉम द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट हाउसेस आल्सो कॉल्ड ब्रांच सीवर और सब मेन्स। इसमें क्या होता है कि पाइप किससे कनेक्टेड होता है, इंडिविजुअल पाइप से, जिसमें हर घर से डिस्चार्ज आ रहा है मतलब कि गंदगी आ रही है और उन सबसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये ए सीवर विच रिसीव्स द डिस्चार्ज फ्रॉम द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट हाउसेस आल्सो कॉल्ड ब्रांच सीवर और सब मेन्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड ट्रंक और मेन सीवर्स क्या होते हैं, दीज आर मेन सीवर्स टू विच लेटरल सीवर्स आर कनेक्टेड। ये मेन सीवर्स होते हैं जिनसे लेटरल सीवर्स आर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे देखो ये लेटरल सीवर, ये ब्रांच सीवर ही होती है ना, मतलब कि ये गंदे नाले घर से पानी आता है, ठीक है, ये गंदा पानी घर से आकर किसमें गिरता है, इसी में तो गिरता है ना, ट्रंक और मेन सीवर्स में गिरता है, ठीक है, समझ में आया। हाउस सीवर से पानी आके गिरता है इसमें ट्रंक या फिर मेन सीवर्स में, फिर मेन सीवर से डिस्पोज होता है। आउटफॉल सीवर्स क्या होता है, द सीवर विच ट्रांसपोर्ट द सीवेज टू पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट एंड फ्रॉम द ट्रीटमेंट पॉइंट टू डिस्पोजल पॉइंट, ठीक है। आउटफॉल सीवेज क्या होता है, वो सीवर होता है विच ट्रांसपोर्ट द सीवेज टू पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट, जब ट्रीटमेंट पॉइंट तक ट्रांसपोर्ट करता है एंड फ्रॉम द ट्रीटमेंट पॉइंट टू डिस्पोजल, और उस ट्रीटमेंट पॉइंट से डिस्पोजल को ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये पहले तो ट्रांसपोर्ट होता है ट्रीटमेंट पॉइंट पे, ट्रीटमेंट पॉइंट से ट्रांसपोर्ट होता है डिस्पोजल पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ये आउटफॉल सीवर्स हो गया, ठीक है, ये चारों टाइप्स के सीवर हो गए, सीवर्स हो गए। अब यहाँ पे एक नोट ध्यान रखना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुड जनरली बी लोकेटेड इन लो लाइंग एरिया, और जहाँ पे लो लाइंग एरिया में होगा ना, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पे नहीं होगा ना, तो सीवेज ट्रीटमेंट हमेशा वहां पे लगता है जहाँ पे लो लाइंग एरिया होता है, ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है द लिक्विड वेस्ट ऑर्गेनाइटिंग फ्रॉम रेसिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड। मैंने बताया था कि जो रेसिडेंशियल वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट दोनों को कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं, सैनिटरी सीवेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीवर विच ट्रांसपोर्ट द सीवेज टू द पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। जो सीवेज ट्रांसपोर्ट करता है पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट तक ट्रांसपोर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, अभी भी ऊपर आया था, उसको बोलते हैं हम आउटफॉल सीवर, यानी कि सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ए कंबाइंड सीवेज सिस्टम कलेक्टिवली कैरीज। जो कंबाइंड सीवेज सिस्टम होता है वो कलेक्टिवली क्या करता है, डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल सीवेज, स्टॉर्म सीवेज एंड डोमेस्टिक सीवेज, स्टॉर्म सीवेज एंड इंडस्ट्रियल सीवेज, स्टॉर्म सीवेज एंड सैनिटरी सीवेज। कौन सा सही होगा इसमें, इसमें होगा डी। जो कंबाइंड सीवेज सिस्टम होता है वो स्टॉर्म सीवेज को भी लेता है और सैनिटरी सीवेज को भी लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सीवर विच रिसीव द डिस्चार्ज फ्रॉम ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट हाउसेस इज कॉल्ड। उस सीवर को क्या बोलते हैं जो हर घर घर से पानी आ लेता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हाउस सीवर, ठीक है, नहीं उसको हाउस सीवर नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं लेटरल सीवर, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट हर घर से मतलब आकर उसमें गिरता है पानी, उसको बोलते हैं लेटरल सीवर, ठीक है। पांचवा हमारे पास क्वेश्चन, ए सीवर पाइप कैरिंग सीवेज फ्रॉम ए बिल्डिंग टू द पॉइंट ऑफ इट्स इमीडिएट डिस्पोजल इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको, हाउस सीवर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन रेनी सीजन इज कन्फाइंड टू ए फ्यू मंथ लाइक दैट इन इंडिया द प्रिफर्ड सीवेज सिस्टम वुड बी कंबाइंड सिस्टम, सेपरेट सिस्टम, पार्शियली सेपरेट सिस्टम, नॉन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, सेपरेट सिस्टम। अगर रेनी सीजन है जो कन्फाइंड टू ए फ्यू मंथ,
लेट इन इंडिया, मतलब कि रेनेज सीजन का है, अनइवन है, तो उससे में हम क्या लेंगे, उस केस में हम लेंगे सेपरेट सिस्टम, ठीक है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो गया वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुटेबल सिस्टम ऑफ मेंटेन फॉर एन एरिया हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माइग्रेंट्स थ्रू आउट द ईयर लाइक दैट इन इंग्लैंड, जहां पे देखो रेनेज सिस्टम क्या है, यूनिफॉर्मली है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास कौन सा हो जाएगा, उस केस में हम कौन सा यूज करेंगे, उस केस में हम यूज करेंगे कंबाइंड सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड है, यानी मतलब इवन है रेने सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द वाटर कैरी सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इज प्रिफर्ड टू ड्राई कन्वेंसी सिस्टम, बिकॉज द वाटर कैरी सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इज प्रिफर्ड टू ड्राई कन्वेंसी सिस्टम बिकॉज इट इज चीपर इन इनिशियल कॉस्ट, इट इज डज नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजल, इट इज मोर बायोगेनिक इन नेचर, इट इज easier to maintain, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें हमारे पास, सी, इट इज मोर हाइजेनिक इन नेचर, ठीक है। द वाटर कैरी सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इज प्रिफर्ड टू ड्राई कंस्ट्रक्शन सिस्टम बिकॉज इट इज मोर हाइजेनिक इन नेचर, ठीक है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है कि इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा वाटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेस्ट वाटर कमिंग फ्रॉम द किचन एंड बाथरूम्स इज प्रॉपरली नोन है, जो किचन और बाथरूम से आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सलेज सलेज डिस्चार्ज बोलते हैं, ठीक है, एंड बी आंसर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द डिजाइन ऑफ सीवर्स इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ सीवेज डिस्चार्ज इज एज्यूम्ड एज, कितना परसेंटेज एज्यूम करते हैं हम, एज्यूम करते हैं बी 75-80% ऑफ वाटर सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स, ठीक है, 75-80% ऑफ वाटर सप्लाइड फ्रॉम द वाटर वर्क्स, इतना हम एज्यूम करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर द डिजाइन ऑफ सीवर्स इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ सीवेज डिस्चार्ज इज एज्यूम्ड एज 75-80%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The peak design flows expressed as a number of times their average value will be. उसकी average value क्या होगी? उसकी average value होगी greater for smaller later sewers as compared to these larger trunk sewers. ठीक है, ये होगी। Next question है, the ratio of minimum hourly flow to the average flow of sewage is कितना होता है? The ratio of minimum hourly flow to the average flow of sewage is वो होता है हमारा 1/3. ठीक है, the ratio of minimum hourly flow to the एवरेज फ्लो ऑफ सीवेज इज 1/3, ठीक है, तो यहाँ पे ये खत्म हमारा।